निरसा प्रखंड के पल्लारपुर पंचायत मुखिया प्रत्याशी अपर्णा देवी के पति तपन तिवारी के नेतृत्व में एक विशाल हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस हुंकार रैली में ग्रामीणों का जनसैलाब देखने को मिला। चिलचिलाती धूप होने के बावजूद ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक था। ग्रामीणों का आरोप था कि निवर्तमान मुखिया केवल लूट खसोट और भ्रष्टाचार में आगे रहते थे, इसी कारण इस बार पल्लारपुर पंचायत में विकास लाने के लिए परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो एप्पल जो सेब है ना, उसका खुशबू आने लगा है, समझे? आप लोगों को भी लग रहा है क्योंकि आप लोग सर्वे कर रहे हैं, आप लोगों को भी पता चल रहा है कि सेब पक गया है एप्पल, और उसका खुशबू अब धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे पल्लारपुर पंचायत के? बस इतना ही अपील करेंगे कि जो पल्लारपुर पंचायत का जितना जनता है, वो लोगों हम यही बोलेंगे कि किसी भी लोभ में ना आए, सही जगह और शिक्षित, एक शिक्षित महिला को, क्योंकि इतना बड़ा पंचायत का जो जिम्मेवारी सौंपिएगा तो उसको देख सुन के सौंपिए, शिक्षित महिला को दीजिए, ताकि पूरा जान लीजिए कि पंचायत का पूरा मालिक माँ जिसको बनाइएगा, जिसको गार्जियन बनाइएगा, उसको देख सुन के बनाइए। जो हम लोग का जो है अभी टारगेट है कि परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग का जो सरकार से मिलने वाले सुविधा, वो जो है सही रूप में अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, और हमारे पंचायत में जो है अभी भ्रष्टाचार से लिप्त है, और गरीब लोगों को अंतिम जम तक जो है जो मिलने वाले सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग ग्राम में देखते हैं कि महिलाओं की जो सरकार से मिलने वाली सुविधा है, अभी तक महिलाओं के लिए एक भी योजना नहीं बनी है, और महिलाओं को जो है महिला सशक्तिकरण का कोई भी काम नहीं हुआ है। विकास के क्षेत्र में हमारे यहाँ विकास के नाम पर लूट हो रहा है, और विकास के नाम पर जो है यहाँ बहुत सारा दलाली जो है आ गया है। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस बार मन बनाए हैं कि परिवर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो मुखिया हम लोग थे, वो पूरा एक तो दबंग टाइप का बात करता है, दूसरा यह जो अपर्णा देवी का जो पति है वहाँ पर गए थे भजन कीर्तन में, इसमें जिसमें इनवाइट किया गया था, तो गए वहाँ पर चंदा दिए, वहाँ चंदा भजन कीर्तन के नाम पर दिए, तो वहाँ का आदमी एक घंटा बाद वो पैसा लौटा देता है। आप बोलता है कि नहीं, आप पैसा नहीं लेंगे, तो बाहर का आदमी है। तो हम बोल रहे हैं कि तपन तिवारी बाहर का आदमी कैसे हुआ? ये तो वही भी तो पल्लारपुर पंचायत का आदमी है, और उसमें बाहर बाहर भीतरी का भेदभाव कर रहा है। मुखिया इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि भाई भी नहीं लेंगे पैसा, नहीं पैसा बोला है कि वोट दीजिए तब हम दे रहे हैं पैसा, ऐसा तो बोला नहीं है। फिर मुखिया भी तो हम लोग गाँव में दिया, तो हम लोग तो कभी नहीं बोले, हम लोग भजन कीर्तन दिया, मंदिर के दान पर दिया है, वो वोट के लिए थोड़ी दिया है, वो ये वाला बात कभी उच्चारण तो नहीं किए हैं। और जहाँ तक बात है, हम मुखिया के मानता है, मुखिया है, उसको मानना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया है। गांव में काम किया है, उसमें भी परसेंटेज चाहिए, कुछ और भी काम करेगा, यहाँ तक की बात।